नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। मैजिकल न्यूमरोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 आश्चर्यजनक टिप्स फॉर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता सभी को अपनी जिंदगी में चाहिए। ऐसा क्या होता है कि सफल लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती है? आज के न्यूमरोलॉजी स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे उन अमेजिंग टिप्स की, जिन्हें अपनी जिंदगी में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके पास भी नाम, शोहरत और प्रॉस्पेरिटी जरूर होगी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 9 नंबर हमारी जिंदगी में होने वाले सक्सेस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हमारे नव ग्रहों का प्रभाव हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है और हमें रुपए, पैसे, शोहरत देते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट और संपन्नता को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के टिप्स आपको लिखना चाहिए। हो सके तो इस कार्यक्रम को शेयर करना चाहिए ताकि आपके नियर एंड डियर को भी इसका लाभ मिल सके। पहला टिप है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, अब डेट ऑफ बर्थ कैसे होती है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का जन्म है 12 नवंबर 1980 मान लीजिए, तो 12 नवंबर में एक आ चुका है, नवंबर में भी एक आ चुका है, 1980 में भी एक आ चुका है, यानी इस पूरे डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में एक नहीं आता है तो आपको हमेशा घड़ी जरूर पहननी चाहिए जिसकी चेन मेटल या गोल्डन की हो। घड़ी हमें लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी देती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, रुके हुए समय और मौके को आगे लाने में मदद करती है। इसीलिए आप उस वक्त अपने साथ लेकर से उसे हमेशा अपने पास लेकर चलें और लाइफ में आगे बढ़ें। दूसरा, क्रिस्टल हमारे जिंदगी में बहुत उपयोगी और शुक्र ग्रह को मजबूत भी करता है। अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने हमारी ऊर्जा और ऑरा को रिसाइकल करता है। आपने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन के लोगों को देखा होगा जिनके हाथ में ब्रेसलेट होता है। स्पेशली सलमान खान को आपने देखा होगा जो फिरोजा पहनते हैं, वह भी ब्रेसलेट है। आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। हमारी एनर्जी में एक नई चमक आ जाती है और हम नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं और हमारे सही डिसीजन थॉट्स लेने में मदद देती है। अब आगे बढ़ते हैं, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपको सवाया टाइम लेकर चलना है। मेरे पिताजी से मैंने बचपन से यही सीखा है। जैसे मान लीजिए हमें कहीं 8 बजे निकलना है तो या तो हम 8:15 निकलेंगे, 7:15 निकलेंगे, 9:15, 10:15 पर निकले। यह काम आपको आज से करना चाहिए। यह है सवाया का चक्कर। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग शुभ माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस टाइम पर कोई काम करते हैं या घर से निकलते हैं तो आपका काम सफल ज्यादा होता है। किसी प्रकार की अड़चन जो बहुत ज्यादा आने वाली हो तो या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। यह उपाय बहुत जबरदस्त है, इन उपाय को जरूर करिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 6 नहीं आ रहा है तो आप कई कामों के अंदर उलझे रहेंगे, सही डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहेंगे। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को अनुकूल करने के लिए आप जब भी पानी पिए चांदी के ग्लास में आपको पीना चाहिए। हरे रंग का यूज ज्यादा से ज्यादा करें और हरे कलर का पेन अपने पास जरूर रखें। खुद को साफ, स्वच्छ और हाइजेनिक बनाए रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना चाहिए। खूबसूरत बने रहेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह की खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए और इसके साथ रात को सोते समय दूध में शहद मिलाकर पीना बहुत शुभ होता है, क्योंकि नंबर 2 के कारक चंद्रमा, 5 के बुध और 6 के शुक्र है, जिन्हें अनुकूल करने के लिए आपको सक्सेस पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अब अगला टिप है 5वां, सभी मूलांक वाले लोग यानी 1 से लेकर 9 तक। आप कभी भी एक बारी करके देख लीजिए, आपको उसी वक्त अच्छा लगेगा। वो है काउ कडलिंग। एक ये नया शब्द है जो हम लोग अभी रिसेंटली सुनने लगे हैं। इसे कहते हैं गाय को स्पर्श करना, गाय का आशीर्वाद लेना, गाय को गले लगाना, गाय की सेवा करना। हमारे धर्म में गाय को हमारी माता का दर्जा दिया गया, लेकिन अपने चारों तरफ गाय की दुर्दशा को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि गाय के शरीर में से 70 किलो प्लास्टिक निकाला गया। गायों की स्थिति अच्छी करने के लिए यह पहल जरूर करनी चाहिए। प्रे साथियों, 6ठा टिप है, हमें जिंदगी देने वाले माँ और बाऊजी, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए और यह हमारा कर्तव्य है। कोई पुण्य का काम नहीं है, यह हमें करना ही चाहिए। अब जब भी आप घर से बाहर निकले, एक तो सवाया टाइम लेकर निकले
उनके चरण स्पर्श करके घर से निकलें। आप करके देखिए, इतना तो मजा माता पिता को आएगा और इतना ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपने वृद्धाश्रम के बारे में सुना होगा, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने परिवार का, अपने बच्चों का सुख नहीं मिल पाया और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। वृद्धाश्रम में दान दक्षिणा करने से, उन माता पिता की सेवा करने से आपको कई गुना फल मिल जाएगा। और फल की लालसा में तो शायद नहीं भी करें, लेकिन ये पुण्य कर्म है जो जरूर करना चाहिए। प्रिय साथियों, न्यूमरोलॉजी में ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक शब्द और सेंटेंसेस हैं जिनका अगर हम पालन करें तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। मैं आगे भी आपको इसी तरह की कुछ टिप्स देता रहूंगा, अलग अलग विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।